दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 मई 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आपका लव राशिफल। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले एक जानकारी और दे दें कि अब आपको जो लव टिप्स मिलता था राशिफल के लास्ट में, वो लव टिप्स यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब उसके लिए एक अलग चैनल जिसका नाम है शॉर्ट्स विद अतुल जी, इस चैनल पर आपको लव टिप्स भी मिलेंगे, करियर टिप्स भी मिलेंगे और आपके लिए शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए टिप्स, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर एक नया फीचर है जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। शॉर्ट चैनल एक अलग बनाया है जिस पर आपको देश विदेश की खबरें, आध्यात्म की और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। खबरों से रिलेटेड मतलब मेरा ये है कि आपको आध्यात्म और ज्योतिष, तंत्र मंत्र, उपाय इत्यादि हर प्रकार की जानकारी वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में मिलेगी, शॉर्ट उपाय मिलेंगे, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी जानकारियाँ, आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ एक छोटे वीडियो में मिल जाया करेंगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सर्च भी कर सकते हैं शॉर्ट्स विद अतुल जी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं राशिफल आज का। आज मेष राशि का चंद्रमा रहेगा, अश्विनी नक्षत्र का चंद्रमा रहेगा, किस प्रकार का फल आपको मिलेगा ये जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि में ही चंद्रमा का गोचर है, देखा जाए तो ये गोचर आपको आज का दिन बेहतरीन बना देगा। आप आज क्या होगा, आज आप अगर सिंगल हैं तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आज किसी से बात कर सकते हैं, आज किसी से बात करना बहुत अच्छा लग सकता है। आज के दिन रिलेशनशिप में चल रही गलतियां, चल रही गलतफहमियां, चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, आज कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ डिसीजन ले सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। और अगर बहुत ज़्यादा आप अपने एक्स को पाना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों को महसूस करेंगे। आज चंद्रमा आपको दर्शाएगा कि आपके खुद के अंदर क्या कमी थी और वो कमियां पकड़ेंगे, वो गलतियां पकड़ेंगे, किस वजह से वो व्यक्ति हमें छोड़कर गया, ऐसी चीज़ें आप सोचेंगे और उसके बाद में अपनी गलतियों का कहीं ना कहीं माफ़ी या क्षमा मांग लें और अपने पार्टनर को फिर से वापस अपनी लाइफ में बुला लें, ऐसी स्थिति भी बनेगी। कुछ अपने अंदर खास करके मैरिड लाइफ में कमियाँ ढूंढते हुए भी नज़र आएंगे और मैरिड लाइफ में आपके दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर आपको रोक टोक करें या बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी बातों को लेकर चर्चा करें या आपकी गलतियां कमियां निकाल करके आपको परेशान करने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति भी नज़र आएगी। उसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज की बात करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, मैरिड लाइफ में किसी प्रकार का घमंड, ईगो और अकड़ ना दिखाएं अपने पार्टनर को, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां आज नफरत, झगड़े, थर्ड पार्टी और ब्रेकअप की हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज बहुत ज़्यादा विवादों में रहेगा, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देने वाला बन जाएगा। खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज कुछ बातें जो छिपा रखी थी अपने पार्टनर से, वो बातें पता चल सकती हैं, वहीं ये स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से गोचर चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, आज झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, आज आप सिंगल हैं, किसी को प्रपोज ना करें, आज के दिन आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने के लिए इच्छुक हैं तो आप उनसे झगड़ सकते हैं और फिर से उन्हें वापस भेज सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। आज आप अगर विदेश में रहते हैं तो आपका डाइवोर्स भी हो सकता है और अगर आप अपने ही देश में हैं, भारत में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैरिड लाइफ में काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी, इतनी दिक्कत नहीं है, गलत फहमियाँ दूर होती हुई नज़र आएंगी,
कन्फ्यूजन कुछ क्लियर करते हुए नजर आएंगे, कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। अगर आप मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपको ब्लॉक कर सकते हैं पार्टनर, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर, आज सिंगल हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आज बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, किसी को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार जताएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदें आपकी ख्वाहिशें पूरी करते नजर आएंगे, गिफ्ट उपहार दे सकते हैं आपको और बहुत ज़्यादा प्रसन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। आज आपको अपने पार्टनर को अकड़ नहीं दिखानी है, ज़्यादा घमंड नहीं दिखाना है। सूर्य का संबंध बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा अकड़ आपकी भावनाओं में, आपके इमोशन में भी आपकी अकड़ दिखेगी और वो अकड़ पार्टनर को कहीं ना कहीं ये महसूस करा देगी कि आपके लिए कितना भी कर लो आप उसके लायक ही नहीं है, या मतलब आप कभी सुधर नहीं सकते, आपके अंदर वो चीज़ हमेशा रहेगी, आपके लिए कितना भी कर लिया जाए लेकिन आपको वो समझ नहीं आएगा कि हमने क्या किया। आप जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार उन्हें बहुत ही खटकता है, इसलिए अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हुए नजर आए आप तो आपके लिए बेहतर हो। उसके साथ साथ मैरिड लाइफ में काफी प्यार बढ़ेगा, काफी चीजें ठीक होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां नॉर्मल रहेंगी, ज्यादा इमोशनल ना होना इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ओवर रिएक्ट ना करना इस चीज का ध्यान रखना, अगर ओवर रिएक्ट करते हैं किसी छोटी बात पर तो झगड़े हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से गोचर दशम भाव में रहेगा, देखा जाए तो आज थोड़े पार्टनर व्यस्त हो सकते हैं, पार्टनर बिजी हो सकते हैं, उस वजह से आपको समय ना दे पाए, इस वजह से थोड़ी नाराजगी बन जाए, थोड़ी रिलेशनशिप की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाए। बहुत ज़्यादा स्थिति ये भी बनेगी कि आपकी जो फीलिंग है उसकी आपके पार्टनर थोड़ी कद्र ना करें, ऐसा आपको महसूस हो, कुछ गलतफहमी भी हो सकती है कुछ लोगों को और कुछ लोगों की असलियत यही होगी। उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर से झगड़ना पड़ सकता है, कई चीज़ों को लेकर के झगड़े से ही आपके कहीं ना कहीं बातें बन सकती हैं, अगर आप झगड़ा नहीं करेंगे तो इससे पार्टनर को भी थोड़ा अजीब सा आपको आपके पार्टनर को लगता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ मैरिड लाइफ में आज आपके पार्टनर कुछ सेल्फिश हो सकते हैं, कुछ बातें छिपा सकते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बन सकती हैं लेकिन नॉर्मल रहेगी स्थिति। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, नई दोस्ती हो सकती है, नया व्यक्ति मिल सकता है। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से ये गोचर नवम भाव में रहेगा और नवमस्त चंद्रमा का गोचर दर्शाता है कि आज आपके पार्टनर और आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा, आपकी कुछ जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपको भी जिम्मेदारियों के ऊपर समझाएंगे कि आपकी क्या जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों को निभाएं, एक विश्वास तो बन जाएगा लेकिन उसके साथ साथ आपको एहसास कराएंगे कि आप कुछ चीज़ों में जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाएं। कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं आपको लेकर के उन्हें, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन आपसे बोल नहीं पा रहे हैं और आपको बोलेंगे तो आप नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ये स्थिति भी है। आज के दिन में मैरिड लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, अगर ससुराल पक्ष का अपमान कर देते हैं आज के दिन तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, या ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के अपने पार्टनर के फैमिली के बारे में कोई कमेंट कर देते हैं या कोई दिक्कत ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे अपमान हो जाए, उन्हें अपमानजनक स्थिति लगे तो निश्चित रूप से आपके झगड़े हो सकते हैं और विवाद बढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज धन की वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं या पार्टनर आप पर आरोप लगा सकते हैं धन की वजह से। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से अष्टमस्त रहेगा चंद्रमा, आज सिंगल हैं, किसी को प्रपोज ना करें, आज बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे, आज देखा जाए तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थिति है,
इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा ऐसा मन करे कि उसे भूल जाएं, लेकिन फिर वही उम्मीदें लगेंगी शाम होते हुए, तो ऐसा दिखेगा कि वही कि भूलना चाहा लेकिन भुला नहीं पाए, वो स्थिति भी बनेगी। और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एक घबराहट और बहुत ज़्यादा घुटन जैसी महसूस होगी, चिंताएं बहुत ज़्यादा होंगी। मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से झगड़े हो सकते हैं, या कोई गलत फहमी की वजह से झगड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ये स्थिति है। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि से ये गोचर सप्तमस्त रहेगा। आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा इजहार करेंगे। आज लव मैरिज की बात करना अच्छा है आपके लिए, और आज के दिन विशेष रूप से आपको सिंगल हैं किसी को प्रपोज कर सकते हैं आप अपनी भावनाओं की कद्र करेंगे और आपके पार्टनर की भावनाओं की आप कद्र करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर मायने रखेगा। आज आप उसे दिखाएंगे, जताएंगे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए ऐसी स्थिति भी बनेगी जिसमें आप विशेष रूप से ऐसा देखेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ में लॉयल हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके आगे किसी को नहीं रखते हैं, आप सबसे आगे हैं उनके लिए, ऐसी स्थिति भी नज़र आएगी। थोड़ा सा गुस्सा दिखा सकते हैं, थोड़ा सा अपना हक जता सकते हैं आप पर, ऐसी स्थिति बनेगी। आज किसी प्रकार की ऐसी बात न करें जिससे आपका दोहरा चरित्र लगे या कैरेक्टरलेस लगे आप। अगर ऐसा करते हैं तो आपके पार्टनर आपसे नाराज हो सकते हैं और झगड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम बन जाएगी, वहाँ पर झगड़े हो जाएंगे। यानी कि अपने पार्टनर के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की तारीफ न करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से षष्ठम भाव में चंद्रमा आज ब्रेकअप करवा सकता है, झगड़े करवा सकता है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ला कर आ सकता है, और विशेष रूप से आपको कंफ्यूज कर सकता है। आज आपका कोई प्रॉमिस टूट सकता है मजबूरी में, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज हो सकते हैं, और मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो सकती हैं। आज का दिन कतई अच्छा नहीं है। आपको विशेष रूप से आज के दिन अपने पार्टनर से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर बहस करते हैं तो स्थितियाँ नहीं सुधर सकती हैं। अगर आपको आपके पार्टनर को जताना है कि आपने कोई गलती नहीं की है या आप उसे नहीं खोना चाहते हैं तो कुछ मत बोलिए, हो सके तो चुप रहिए। अगर चुप रहेंगे तो स्थितियाँ अपने आप सही हो जाएंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, चंद्रमा पंचम भाव में प्यार का इजहार कर सकते हैं, प्रेम बहुत ज़्यादा रहेगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको महत्व देंगे, और पार्टनर अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या ब्लॉक कर दिया था तो ब्लॉक से खोल देंगे। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, कुछ ही दिनों से नाराज़ हैं, तो आज वो आपके पास वापस आ सकते हैं। आज उन्हें आप मैसेज करें, आप उन्हें मैसेज करके बताएं कि ऐसे ऐसे आपको उनकी ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आपको माफ़ कर देंगे। कोई गलती हो क्षमा मांग लीजिए। मैरिड लाइफ में चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज बहुत अधिक मात्रा में पार्टनर व्यस्त हो सकते हैं, आपको समय ना दे पाए, ऐसी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि से ये गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। आज बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, इमोशनल होने की वजह से रोना धोना हो सकता है, और रोने की वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। रोना नहीं है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी को प्रपोज नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा अपने खास करके किसी के मन में, किसी के लिए आपके मन में अगर फीलिंग इत्यादि है तो उसे मत बताएं। अपने इमोशन को अपने पास में रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेष रूप से आज के दिन आपको मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से, या उनकी माता की वजह से, पिताजी की वजह से, माताजी की वजह से, खास करके कुछ माता से रिलेटेड इमोशनल बातों की वजह से झगड़े हो सकते हैं, और आपके दोनों के बीच में कलह हो सकता है। घमंड की वजह से कलह ज़्यादा हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ आज बहुत अच्छी हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। आज लगेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो व्यक्ति हैं वही आपके अपने हैं, बाकी सब आपके कोई नहीं,
ऐसा आपको प्रतीत होगा, बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा उन पर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा, आज कोई नई शुरुआत हो सकती है, किसी को दोस्त बना सकते हैं। आज के दिन मैरिड लाइफ में चीज़ें सुधरेंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कम होंगी और उसके साथ साथ आपके ससुराल पक्ष से संबंध आपके कम खराब हो रहे थे तो वो सही होते हुए नज़र आएंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पैचअप हो सकता है, ये भी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा, ये दर्शाता है कि आज के दिन वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। घबराहट परेशानी हो सकती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इस वजह से आप अपने पार्टनर को अभद्रता कर सकते हैं, कोई अभद्र का कोई ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे उन्हें हर्ट कर दें आप, और हर्ट करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा उनकी नाराज़गी देखने को मिले। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से बन सकती हैं, छिपी हुई बातों की वजह से बन सकती हैं। अगर धन को लेकर के, पैसों के लेन देन को लेकर के कोई बात आपने मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से छिपाई है तो उसकी वजह से, पुरानी बातों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जा सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में विशेष रूप से आपको कुछ गलतियाँ करने से बचना होगा, कुछ बड़ी गलतियाँ आज हो सकती हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए बहुत सावधान होकर के रहिए। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल, और जो लव टिप्स हम देते थे वो लव टिप्स आपको मिलेगा हमारे नए चैनल पर, दूसरे चैनल पर, जिसका नाम रखा गया है शॉर्ट्स विद अतुल जी। इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं, इस पर आपको आज का उपाय 10 मई 2021 का लव टिप्स आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।